असलम दिस इज़ फैसल शबीर क्या हाल चाल है सब ठीक ठाक हैं आज की ये वीडियो स्पेशली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आप लोगों ने बेशुमार किस्म के ऐप लॉकर यूज करके देखे होंगे कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते कुछ एड्स वाले हैं कुछ बिना एड्स वाले हैं आज मैं आपको इन सबसे बेस्ट ऐप लॉकर के बारे में बताने जा रहा हूं ये ऐप लॉकर गूगल प्ले स्टोर पर वाहिद ऐप लॉकर है जो इतने ज्यादा फीचर्स के साथ है इस ऐप लॉकर के अंदर आप अपने मोबाइल में मौजूद हर ऐप को अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी वाईफाई को पासवर्ड लगा सकते हैं ब्लूटूथ को पासवर्ड लगा सकते हैं इनकमिंग कॉल्स को पासवर्ड लगा सकते हैं और भी काफी सारे काम आप ऐ के साथ कर सकते हैं तो ये कौन सा ऐप है इसके क्या क्या फीचर्स है? इसे कैसे यूज़ करना है? उससे पहले चैनल पर पहली बार आने वालों ने एक छोटा सा तो आपको जरा भी सस्पेंस में नहीं रखूंगा पहले आपको इस नेम बता देता हूं उसके बाद आपको उसके काम बता देता हूं तो सबसे पहले जाना है आपने गूगल प्ले स्टोर में यहां पे जाकर आपने टाइप करना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट टाइप करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा इसमें से आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट इसकी 50 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोड्स हैं 4.3 इसकी रेटिंग है इसको देख लें अच्छी तरह इसके आइकन को देख लें इस ऐप का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वहाँ से भी आपको मिल जाएगा तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है बिल्कुल छोटा सा ऐप है टू पॉइंट का लेकिन काम इसके कमाल के हैं ये इंस्टॉल हो चुका है इसको ओपन करते हैं यहाँ पर आपने सबसे पहले इस ऐप के अंदर अपना मास्टर पिन रखना है इसको हमेशा आपने याद रखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कि हमारा मास्टर पेन सेट हो चुका है ये पूछता है कि आपने फिंगरप्रिंट भी रखना है या नहीं वो आपकी मर्जी रखना चाहें रख लें ना रखना चाहें ना रखें मैं यस कर देता हूँ यह हमारा ऐप लोग को रेडी होकर हमारे सामने आ चुका है इसमें आपने जाना है सबसे पहले सेटिंग में यहां पर आपके सामने ऑप्शन मिलती है मल्टीपल पासवर्ड इस ऑप्शन के जरिए आप अपने तमाम ऐप्स को अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं एक लगाना चाहें एक भी लगा सकते हैं तो इस इसपे प्लस पे क्लिक करना है आपने यहाँ पर आपने पासवर्ड पे क्लिक करना है उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड रखना है अपने किसी अलग ऐप के लिए ये तमाम एप्स के लिए वो आपने यहाँ पे टाइप करना है मैं रखता हूं वन 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 ओके उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड यही एंटर करना है वन 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 और उसके बाद आपने यहाँ से चूज करना है लॉकड ऐप्स इस पर क्लिक करने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना वो ऐप चूज़ करना है जिसको आपने अलग से पासवर्ड लगाना है आप एक दो तीन चार पाँच जितने चाहें इस पासवर्ड के लिए उन ऐप्स को चूज कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कैमरा ऐप और कैलेंडर ऐप उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है आपने इसके बाद आपने साइकन पे क्लिक करना है यहाँ पर आपने ओके करना है ओके करना है और यहाँ पर आपने ऐप लॉक को अलाउ कर देना है अलाउ कर देना है और इसके बाद ये हमारा रेडी हो चुका है कैलेंडर के लिए कैमरे पे क्लिक करना है ओके okay करना है और ये हमारे दोनों ऐप्स रेडी हो चुके हैं अच्छा इसके बाद आपने बैक आना है बैक आने के बाद आपने एक बार अपने इस एप लॉकर को बिल्कुल ही ऑफ कर देना है क्लोज कर देना है यहाँ से बिल्कुल क्लोज कर देना है उसके बाद आपने दोबारा इसको ओपन करना है एक बार इस चीज़ को अच्छी तरह आपने समझ लें यहाँ पे आपने इसको एक परमिशन ग्रांट करनी है नोटिफिकेशन वाली अगर ये ऑन नहीं होगी तो ये आप बिल्कुल काम नहीं करेगा इसको अपने लाजमी अलाउ करना है यहाँ पे चले जाना है और आपने ऐप यूज एक्सेस इस पर आके आपने ऐप लॉकर को ऑन कर देना है ये परमिशन हमारी ग्रांट हो चुकी है इसके बाद आप जब भी करेंगे अलाओ ये हमारा ऐप इस वक्त रेडी हुआ है वहां पे करने के बाद नहीं होगा ये काम आपने लाजमी करना है एक बार अपने एप्लीकेशन क्लोज करना है दोबारा ऑन करेंगे तो ये आपसे नोटिफिकेशन की एक्सेस मांगेगा उसको अपने अलाउ कर देना है अब जाके अपना कैमरा ऐप को चेक करें आप ये देखें ये इसने ओपन होते ही पासवर्ड मांग लिया जो पासवर्ड आपने लगाया था वही पासवर्ड आप लगाएंगे तो काम करेगा जैसे मैंने इस पर लगाया था डबल वन डबल वन मैं लगाता हूं डबल वन डबल टू तो ये काम नहीं करेगा जब आप लगाएंगे डबल वन डबल वन तो ये फौरन ही ओपन हो जाएगा इस तरीके से आप किसी भी ऐप को अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं लेकिन आपने इसको हर तरह की एक्सेस देनी है वरना ये ऐप काम नहीं करेगा जैसे आप बाकी ऐप लॉकर्स को आप एक्सेस देते हैं इस तरह इसको भी आपने परमिशन देनी है एक्सेस देनी है उसके बाद ये ऐप काम करेगा अगर काम नहीं करता तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि फैसल भाई ऐप तो काम नहीं कर रहा आप लोगों ने एक्सेस अच्छी तरह नहीं दी होती इसलिए वो चीज काम नहीं करती है अब चलते हैं उसके बाकी फीचर्स की तरफ इस तरीके से तो आप अपने किसी भी ऐप को अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं बाकी और आप क्या क्या कर सकते हैं वो

कोई भी ऐप आपकी मर्जी के बिना कोई अनइंस्टॉल नहीं कर सकेगा उसको डिलीट नहीं कर सकेगा ये ऑप्शन उस काम के लिए है इसको भी आप ऑन कर सकते हैं उसके बाद है अनलॉकिंग लिमिट यहां पर आप सेट कर सकते हैं कि कितनी ट्राई के बाद आपका फोन बिल्कुल ही लॉक हो जाए ओपन ना हो कोई भी इस पर बार बार पासवर्ड की ट्राई ना कर सके उतनी ट्राइज आप सेट कर सकते हैं यहां पे उसके बाद है स्क्रीन लॉक ऑफ जैसे ही फोन की स्क्रीन ऑफ हो तो फौरन पासवर्ड लग जाए या ना लगे वो आप सेट कर सकते हैं उसके बाद अपने बैक आ जाना है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ऑब्जर्वर यह बहुत ही काम का फीचर है जैसे ही कोई बंदा आपके फोन पर बार बार ट्राई करेगा पासवर्ड लगाने की कोशिश करेगा गलत ट्राई करेगा तो ये उसकी पिक्चर लेके यहां पे सेव कर देगा इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं बड़े काम का फीचर है उसके बाद यहां पे ऑप्शन मिलती है रिमोट कंट्रोल आप अपने मोबाइल को एस के जरिए व्हाट्सएप के जरिए मैसेंजर के जरिए पासवर्ड लगा सकते हैं लॉक लगा सकते हैं किसी भी एक ऐप को या तमाम ऐप्स को या पूरे के पूरे फोन को उस सूरत में जब आपका फोन गुम हो जाता है तो उसको भी आप ऑन रखना चाहिए तो ऑन रख सकते हैं प्रॉपरली अपने केयरफुल इसको देखना है पढ़ना है समझना है उसके बाद आपने ये लगाना है इसके बाद बैक आ जाते हैं यहां पर आपने नीचे आना है स्मार्ट लॉक की ऑप्शन मिलेगी आपको इस इसपे क्लिक करते हैं तो ये बड़े ही काम का फीचर है आप यहाँ पर अपनी वाईफाई को ब्लूटूथ को ईजिली पासवर्ड लगा सकते हैं लॉक लगा सकते हैं कि वो कितनी देर के लिए ऑन रहे कौन वाईफाई आप यूज कर सकते हैं इस फोन पे किस वाईफाई को अपने पासवर्ड लगाना है अगर आपके पास दो तीन वाईफाई हैं तो जिसको पासवर्ड लगाना चाहे आप इजीली पासवर्ड लगा सकते हैं यहां पे आके ये भी बड़े काम का फीचर है इसको भी ट्राई कर लीजिएगा इसके बाद जो सबसे बेस्ट मुझे फीचर लगा वो है सिस्टम लॉक इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन आ जाती है यहाँ पर आप रिसेंट ऐप्स को लॉक लगा सकते हैं इनकमिंग कॉल्स को लॉक लगा सकते हैं ब्लूटूथ को न्यू ऐप को लॉक लगा सकते हैं यू कनेक्शन को आप लॉक लगा सकते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप लॉकर है ज़बरदस्त फीचर्स के साथ जिस तरह बाकी आप ऐप लॉकर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे ऑन होने के बाद परमिशन मांगते हैं तब वो काम करते हैं इसी तरह आपने इस पर भी जिस जिस चीज़ पर अपने पासवर्ड लगाना है ये आपसे उसकी परमिशन मांगेगा आप उसको परमिशन देंगे तो ये काम करेगा आपने मुझ पर ब्लेम नहीं करना आप अच्छी तरह इसको परमिशन ग्रांट करेंगे तो ये इन प्रॉपरली वर्क करेगा मैंने बहुत अच्छी तरह इसको चेक करके यूज करके फिर इस पर ऐसे ही वीडियो नहीं बनाई है तरह तरह की चीजों आप पासवर्ड लगा सकते हैं इनकमिंग कॉल्स पे पे वाई पे ब्लूटूथ कोई इसके साथ छेड़खानी करता है तो ये उसकी पिक्चर ले, ले लेता है इस तरह आप इसको यूज करके इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं तो इसको इंस्टॉल करें अगर समझ ना है तो दो तीन बार ट्राई करें इंशाल्लाह कुछ समझ आ जाएगा बहुत ही जबरदस्त है फुली वर्किंग ऐप है और बिल्कुल सिक्योर है तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी ये ऐप आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी असल